सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो आज जैसे ही मैंने अपना ईमेल ओपन किया तो वहां पर फर्स्ट मुझे HDFC बैंक का ये वाला मेल रिसीव हो रहा है, जहां पर मेंशन है इम्पोर्टेंट रिवीजन टू योर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम इफेक्टिव September 1, 2024। यानी लॉयल्टी प्रोग्राम में इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। तो आप भी मेरी तरह HDFC बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी जो है HDFC बैंक का ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं। इसके अलावा HDFC बैंक का जो डिजिटल कार्ड है रुपए वाला वो भी यूज करता हूं। सो इस लॉयल्टी प्रोग्राम में हुए न्यू चेंजेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितनी भी नए ऑफर या अपडेट आते हैं सबसे पहले हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई नया ऑफर आ गया और उस टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी सबसे पहले पोस्ट हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो यूजर हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होते हैं उस ऑफर को कंप्लीट करके उस कैशबैक को ग्रैब कर लेते हैं और फायदा ले लेते हैं। तो आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बैक टू द टॉपिक, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड में क्या कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम में चेंजेस होने वाले हैं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने लैपटॉप का स्क्रीन ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन है वी हैव एन इम्पॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग यूअर, जो कार्ड का नंबर है 4 डिजिट वो मेंशन है, इफेक्टिव September 1, 2024, यानी 1 सितंबर 2024 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। फर्स्ट चेंजेस की बात करें तो रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न ऑन यूटिलिटी ट्रांजेक्शन विल बी कैप्ड 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कैलेंडर मंथ, यानी हम एक बिलिंग साइकिल में एक महीने में जो है 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहां पर कैपिंग लगी है ये आप देख सकते हो, रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न ऑन टेलीकॉम एंड केबल ट्रांजेक्शन विल बी कैप्ड 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कैलेंडर मंथ, यानी हम टेलीकॉम पर भी ट्रांजेक्शन करेंगे या केबल ट्रांजेक्शन के लिए भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस पर भी जो मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं वो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। ये डिफाइन कैसे किया जाएगा कि कौन से कैटेगरी में ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो यहाँ पर मेंशन है MCC कोड यूटिलिटी के लिए 499 और टेलीकॉम एंड केबल के लिए 4812, 4814 और 4899 MCC कोड वर्किंग होंगे। इसके अलावा थर्ड जो चेंजेस हुए हैं वो हुआ है एजुकेशन पेमेंट को लेकर। मान लीजिए आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके अगर एजुकेशन पेमेंट करते हैं, लाइक क्रेड हो गया, चेक्यू हो गया, मोबीक्विक हो गया या अदर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू एजुकेशन पेमेंट करने पर आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एजुकेशन पेमेंट डायरेक्टली कॉलेज के या स्कूल के वेबसाइट के थ्रू करते हैं या उनके POS मशीन पर जाकर करेंगे तो उस कंडीशन में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो एजुकेशन पेमेंट के MCC कोड्स क्या है वो आप यहां पर देख सकते हो, स्क्रीन पर मेंशन है 8211, 8220, 8241, 8244, 8249 और 8299। ये MCC कोड के थ्रू अगर एजुकेशन पेमेंट होते हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, यानी सिंपल सा कहूं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू एजुकेशन पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। सो आप भी HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अब आपको जो है ये नए चेंजेस फेस करने पड़ेंगे जो कि 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया था जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था। आई नो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देना ताकि कम से कम आपको ये पता तो हो कि कौन से चेंजेस हो गए हैं जिसके बाद से आप वैसी ट्रांजेक्शन ही ना करो। क्योंकि देखिए अभी तक एजुकेशन पेमेंट पर कैशबैक वगैरह मिल रहा था, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहा था तो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके भी कर रहे थे, लेकिन अब नहीं मिलेगा तो आप इसको अवॉइड करने की ही कोशिश कीजिएगा। और यूटिलिटी पेमेंट पर भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है मैक्सिमम मिलते थे, लेकिन अब यहां पर कैपिंग लग चुकी है तो इन कंडीशन में भी अब आप ट्रांजेक्शन करने से बचिएगा या 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने के बाद में आप इनसे ट्रांजेक्शन नहीं कीजिएगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को बताना चाहते तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।